Today टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर ऑफ सिविक्स इट इज़ इन पेज नंबर In इन द लास्ट वीडियो वी हैव about द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट organs ऑफ government, एंड also वी हैव detailed डिस्कशन ऑन लोअर houses. लोअर हाउसेज़ पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि वहाँ पे इलेक्शंस कैसे होता है वहाँ पे लोअर हाउसेज में जो मेंबर में चूज़ किया जाता है वो कैसे चूज़ होता है और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देख चुके थे ये रिक्वायरमेंट होता है मेंबर बनने के लिए और प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होता है ये सब कुछ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सिमिलरली टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अपर हाउसेस आज हम लोग अपर हाउसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इलेक्शंस कैसे हो रहा है कौन मेंबर चूज़ कैसे किया जा रहा है ये रिक्वायरमेंट एंड प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स ओके द अपर हाउस इज़ नेवर डिजोल् ये कभी डिजोल्व नहीं होता अपर हाउस इट मीन कभी से डिसमिस नहीं किया जा सकता है क्लोज नहीं किया जाता है इन अदर वर्ड्स इट इज़ नॉट ऑफिशियली ब्रोकन अप आफ्टर अ फिक्स टर्म टू बी अ फॉर्म न्यू वन थर्ड ऑफ इट्स मेम्बर रिटायर एवरी टू ईयर्स दो साल के बाद यहाँ पे वन थर्ड मेम्बर्स रिटायर होते हैं और उसका जो वैकेंसीज होता है फिर वहाँ पे उसके लिए इलेक्शन किया जाता है ईच मम्बर इज़ एलेक्टेड फॉर अ टर्म फॉर सिक्स ईयर्स जैसे हम लोग देख रहे थे कि लोअर हाउसेज़ में फ़ाइव ईयर्स के लिए मम्बर चूज़ होता है यहाँ पे क्या है सिक्स ईयर्स के लिए ओके द नेक्स्ट वन इज़ हु कैन चूज़ अब अपर हाउसेज़ में मम्बर चूज़ करने के लिए कौन चूज़ करता है मम्बर एंड अपर हाउस हैज़ इलेक्टेड मम्बर्स एंड नॉमिनेटेड मम्बर्स अपर हाउसेज में इलेक्टेड मेम्बर्स होते हैं और नॉमिनेटेड कुछ मेम्बर्स को नॉमिनेट किया जाता है और कुछ मम्बर्स को इलेक्ट किया जाता है ओके okay? द इलेक्टेड मेम्बर्स इलेक्टेड इनडायरेक्टली वो इन डायरेक्टली कालेक्शन होता है इलेक्टेड एम एल एज मस टू रिप्रेजेंट देअर स्टेट इन द राज्यसभा द रिप्रेजेंटेटिव फ्राम द यूनियन टेरीटरीज आर चूज इन अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड लेट डाउन पार्लियामेंट उनको पता है कि हम इंडिया में जो यूनियन टेरीटरीज हैं तो उसको डायरेक्टली कौन है रूल कर रहे हैं पार्लियामेंट डायरेक्टली उनको रूल करता है और यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि नॉमिनेटेड मेंबर्स हम नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होता है नॉमिनेटेड मेंबर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट ट्वेल्व डिस्टिंग पर्सन फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर आर्ट साइंस सोशल सर्विस एसट्रा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल लेवल पे अलग अलग इस से चाहे वो आर्ट्स हो साइंस हो सोशल साइंस हो ए, इसमें एक्टिंग में इसी में भी अलग अलग स्पेयर से ट्वेल्व पर्सन्स को वो नॉमिनेट करते हैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल है एक्ट्रेस नरगिस दत्त पोइट रामधरी सिंह दिनकर एंड जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह हैव सर्वड इन द राज्यसभा एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ये लोग भी राज्यसभा के मेंबर थे वहाँ से मेंबर थे नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था तो स्टेट लेवल पे जो नॉमिनेशंस होता है वो गवर्नर नॉमिनेट करता है और सेंट्रल लेवल पे जो नॉमिनेशंस होता है वो कौन नॉमिनेट करता है स्टेट नॉमिनेट प्रेसिडेंट उसे नॉमिनेट करता है अंडरस्टूड इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वन 3 ऑफ द मेंबर आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज ऑफ द स्टेट द स्टेट और अब हम लोग क्या कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 जो मेंबर होते हैं वो कौन उसे इलेक्ट करता है एम और वन थर्ड मेंबर्स को कौन इलेक्ट कर रहा है लोकल इलेक्टेड बॉडीज़ लाइक म्यूनिसपल्टीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड सो ऑन ओके वन थर्ड को कौन इलेक्ट कर रहा है एम कर रहा है वन थर्ड को लोकल बॉडीज़ कर रहा है वन टवेल्व फाई एलेक्टेड बाई द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स लिव इन इन द स्टेट एंड वन टवेल्व फाई इलेक्टेड बाय द टीचर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वन टवेल्थ को कौन इलेक्ट कर रहा है टीचर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज द रिमेनिंग आर नॉमिनेटेड बाई द गवर्नर ऑफ द स्टेट और वन सिक्स जो रह गया है उसे कौन ऐसे इलेक्शंस हो रहा है वहाँ पे कि वहाँ पर नॉमिनेशन किया जा रहा है कौन नॉमिनेट कर रहा है गवर्नर ओके स्टेट फ्रॉम द अमंग हु हैव एक्सेल्ड इन द स्फेयर ऑफ आर्ट लिटरेचर सोशल साइंस एटसेट्रा तो स्टेट लेवल पे जो नॉमिनेशन वो गवर्नर कर रहा है और वो अलग अलग स्पेयर से वन सिक्स वो नॉमिनेट करते हैं ओके द नेक्स्ट वन इज़ हु कैन बी अ मेंबर क्या अब इसका मेंबर कौन कौन बन सकता है जैसे लोअर हाउसेज में रिक्वायरमेंट था एक क्या क्या रिक्वायरमेंट है द फर्स्ट वन इज मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए ओके द सेकेंड वन इज मस्ट बी एट लीस्ट थर्टी ईयर्स ओल्ड एटलीस्ट उसमें कितने साल होना चाहिए थर्टी इयर्स जबकि हम लोग देख रहे थे लोअर हाउसेज में कितने इयर्स चाहिए था वहाँ ट्वेंटी फाइव ईयर्स लेकिन अपर हाउसेज के लिए थर्टी ईयर्स अंडरस्टूड द नेक्स्ट वन इज़ मस्ट नॉट बी अ बैंक क्रप्ट और मेंटली अनसाउंड वो बैंक क्रप्ट नहीं होना चाहिए मेंटली इल नहीं होना चाहिए एंड द लास्ट वन इज मस्ट नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट जॉब और इसका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए तो ये चार अगर रिक्वायरमेंट है ये, ये सब कुछ है तो वो मेम्बर बन सकता है ओके द नेक्स्ट वन इज़ प्रिसाइडिंग ऑफिसर अ चेयरमैन प्रिसाइड ओवर एन अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर वो इसको ये कर चेयरमैन प्रिसाइड अपर हाउसेज में जो लेजिस्टर को प्रिसाइड कर रहा है उससे क्या बोले चेयरमैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया का होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो अंडरस्टंड ही इज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बिकॉज ही होल्ड दिस पोस्ट बाई व इन इज एपसेंस द डिप्यूटी चेयरमैन Reside. और अगर चेयरमैन के एबसेंस में उसके काम को कौन कर रहा है डिप्यूटी चेयरमैन अंडरस्टुड द चेयरमैन ऑफ राज्य द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्ट द डिप्यूटी चेयरमैन फ्रॉम अमंग डम वो लोग अपने में जितने मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स से ही वो लोग उसमें से डिप्यूटी चेयरमैन चूज़ कर लेते हैं इलेक्ट करते हैं जिसको वोट ज़्यादा मिलता है वो डिप्यूटी चेयरमैन बन जाता है द चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ अ स्टेट लेजिलेटिव काउंसिल आर एलेक्टेड बाई द मेम्बर ऑफ काउंसिल फ्राम अमंग दम तो ये हम लोगों का प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स हो गया कि कौन कौन अपर हाउसेज में प्रोसाइड कर रहा है एंड द नेक्स्ट हैडिंग इज हाउ द लेजस्लेचर वर्क तो द लेजस्लेचर हैज़ टू मीट एट लीस्ट वाइस अ ईयर साल में कम से कम कितने बार उनको मिलता है दो बार उसका सेशन होता है ईच सेशन सेशन मीन्स मीटिंग्स तो दो बार मीटिंग हो रहा है ईच मीटिंग्स और द पार्लियामेंट इज समलो क्लोज बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो उससे समर्न बुलाता भी कौन प्रेसिडेंट एंड क्लोज भी कौन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द मीटिंग ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर और अमंड एंड क्लोज बाई द गवर्नर ऑफ द स्टेट तो हम लोग को ये याद रखना है कि सेंट्रल लेवल पर जो मीटिंग्स होता है जो सेशंस होता है वो कौन कर रहा है प्रेसिडेंट एंड स्टेट लेवल पर कौन कर रहा है गवर्नर understood specific time period or like the question hour zero hours etc are fixed for carrying out different functions to so specific wahan pe kya kya hota hai question hours hota hai zero hour hai ab question hours mein kya ho raha hai कि बहुत सारे ministers जो जितने ministers हैं वहाँ पे वो एक दूसरे से question करते हैं जो कुछ भी वहाँ पे usually the लेजिस्चर बिगेन इट्स डे विद द क्वेश्चन आर्स। लेजिलेचर का जो डे स्टार्ट होता है किससे स्टार्ट हुआ क्वेश्चन आर्स से। द मेम्बर्स एंड क्वेश्चन इन एडवास टू द वेरियस मिनिस्टर्स हो गेव दियर रिप्लाइज ड्यूरिंग द आर्स ड्यूरिंग दिस आवर्स तो जो मिनिस्टर्स है वो अपने क्वेश्चन दूसरे मिनिस्टर्स को सेंड करते हैं और जब क्वेश्चन आर्स होता है तो वो उस मिनिस्टर्स को उसके क्वेश्चन का आंसर देना होता है डिबेट्स ओवर द मिनिस्टर रिप्लाइज ओपन हेल्प रिवील मिस्टेक्स ऑफ द गवर्मेंट और उसे उस क्वेश्चन का सेटिसफाइंग आंसर देना है उसके ऊपर क्या होता है डिबेट्स होता है अंडरस्टूड द नेक्स्ट वन इज ज़ीरो आवर्स ड्यूरिंग द ज़ीरो आवर्स दम्बर ऑफ लेजिस्लेचर होल डिबेट्स ऑन ईशू ऑन पब्लिक इंटरेस्ट और जीरो आवर्स में पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर डिबेट किया जाता है अंडरस्टूड एंड द नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस एंड अर्जेंट नीड टू पास अ लॉ मे अराइज वन दार्लियामेंट इज़ नॉट इट नॉट इन सेशन जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि इतने बार सेशन हो रहा है कितने बार मीटिंग हो रहा है पार्लियामेंट का दो बार मीटिंग हो रहा है राइट तो अगर उस वक्त मीटिंग नहीं हो रहा है उस सेशन में नहीं है तो अगर अर्जेंटली कहीं पर ज़रूरत है तो ऑर्डिनें पास किया जाता है अंडरस्टैंड इन सच और सिचुएशन प्रेसिडेंट में इशू एन ऑर्डिनेंस एन ऑर्डर कैरिंग द इफेक्ट ऑफ लॉ और सेंट्रल लेवल पे जो ऑर्डिनेंस पास करने का जिसके पास राइट है सेंट्रल लेवल प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है और स्टेट लेवल पे गवर्नर ऑर्डिनेंस पास करता है ओके okay? so, if the parliament after resembling does not declare it to be valid within six weeks, the ordinance becomes invalid. okay. the governor of a state can issue ordinance when the state is not in session. is it legislature or just a central level president ordinance? ask that the session. पार्लियामेंट का और स्टेट लेवल पे गवर्नर कर रहा है सच एन ऑर्डिनेंस सीज टू हैव इफेक्ट ऑन लिस टू स्टेट लेजिस्टर आफ्टर रिजम्बलिंग डिक्लेयर्स द वैलिड विद इन सिक्स मंथ वो कितने दिन के लिए वैलिड होता है सिक्स वीक्स के लिए अंडरस्टूड सेंट्रल लेवल पे भी सिक्स वीक के लिए वो ऑर्डिनेंस वैलिड होता है और स्टेट लेवल पर भी वो सिक्स वीक्स के लिए ही वैलिड होता है तो ये हम लोग का एक्सप्लेनेशन कम्प्लीट हो गया कि इलेक्शन कैसे हो रहा है द सेकेंड वन क्या था हेडिंग हम लोगों का सेकेंड हेडिंग इज़ हो कैन चूज मेम्बर द थर्ड वन इज़ हो कैन बी अ मेम्बर द आफ्टर दैट प्रोसाइडिंग ऑफिसर एंड देन प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स हो गया हाउ द लेजिस्लेटिव वर्क क्वेश्चन आर्स जीरो आर्स एंड ऑर्डीनेसिस कम्प्लीट हो गया है नेक्स्ट अचीफ फंक्शन ऑफ लेजिचर ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अभी यहाँ तक हम लोग कम्प्लीट हो गया इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐड करेंगे उसका आंसर्स आप लोग को देना